हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासिद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूँ। वैसे अल्लाह के नबी के दामन पे गुनाह का एक धब्बा भी नहीं आ सकता और वो हर लम्हा तैयार ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तालीम उम्मत के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे और आपके आका और मौला ने अल्लाह की बारगाह में यह दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौत अल-फजात, ए अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह मांगता हूँ। अचानक मौत आती है और इंसान को तलाफ़ी का, तौबा का मौका भी नहीं मिलता, तो अचानक अमवात से पनाह मांगी गई। तो हज़रत इज़राइल से अहद ले लिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासिद भेज देना। अल्लाह के नबी थे, उनसे वादा कर लिया। हज़रत इज़राइल एक अरसे के बाद हाजिर हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़ रूह के लिए आया हूँ। कहा तुमने तो वादा किया था अचानक नहीं आऊँगा, पहले कासिद भेजूँगा। तो कहा हज़रत मैंने तो कासिद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। अर्ज़ की हज़रत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, ये उठते हुए जनाजे मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, आपकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल उतर आए ये मेरा कासिद नहीं था तो और क्या था, जब बेनाई कम पड़ने लगे, जब आज़ा मुदमहल हो जाएं, जब चलते हुए ठोकने लगे, जब बोलते हुए लुकनत आने लगे, जब यादाश्त खोने लगे, तो समझ लो पैगाम मौत आ गया। ये डूबता हुआ सूरज हमें मौत का पैगाम दे के जा रहा है। देखो कैसा भंगपन था, कैसी दोपहर थी, कैसी किरणों की तमाजत और हिद्दत शिद्दत और गर्मी थी, लेकिन आज दर्द गुरूब से जर्द हुआ जा रहा हूँ। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा मंबा नूर का जो आसमान के ऊपर जगमगा रहा होता है, दर्द गुरूब से वो भी जर्द हो जाता है। डिगरते दिन गया मोहम्मद, ओढ़क नू डूब जाना। तो ये हमें पैगाम देता है, मियाँ तुम भी जा रहे हो। ये फैले हुए कब्रिस्तान बताते हैं। हज़रत सैयदुना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी ख़राब हो रही है। जो बदन पे चुटकी भी नहीं पड़ने देते थे मिट्टी की, आज उनके कफन भी तार तार हो गए हैं। ये डूबता सूरज, ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये बुढ़ापा, ये बालों की सफ़ेदी, ये कमर का खम, ये आँखों की बेनाई का कम पड़ जाना, ये आज़ा का मुदमहल हो जाना, ये चलते हुए ठोकने लगना, बोलते हुए लुकनत लगना, ये सब कुछ मौत का पैगाम है। हज़रत उमर बैठे थे दरबार में, एक शख्स आके खड़ा हो गया, या उमर ला तनसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। हज़रत उमर यूं कांपते हैं जिस तरह बेद की शाख कांपती है। अल्लाह अकबर। कहा मियाँ रोज़ आ जाया कर और मुझे रोज़ ये मैसेज दे दिया कर। भरी बज़म में वो आके कहता है उमर मौत को नहीं भूलना। महीने के बाद मुशाहरा भी देते हैं। एक दिन आया, उसका शुक्रिया अदा किया, मुशाहरा दिया, आज के बाद नहीं आना। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई नहीं, कोई और शख्स आने लगा नहीं, तस्कीरे मौत की ज़रूरत नहीं रही। फरमाया नहीं तो फिर मुझे छुट्टी क्यों दी जा रही है। तो हज़रत उमर रोए, दाढ़ी पर हाथ रखा, एक बाल अलग करके कहा, ये देख मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अब तेरे आने की ज़रूरत नहीं है, ये बाल ही मुझे चैन से नहीं बैठने देगा, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफ़ेद हो जाए ना। मियाँ साहब बोले, हड्डियाँ कंबन, गोडे खड़कन, ते उड़ गया लक तेरा, अजे भी बदियों बास ना आयो, जियो मरद दलेरा। फमा असबरहुम अलन नार, अल्लाह कुरान में फरमाता है लोगों का आग पे कितना हौसला है, कितना हौसला है लोगों का आग पे। कहते हैं देखो देखी जाएगी, कहते देख लेंगे, कोई कहता फलां बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊँगा, कोई कहता ये जहाँ मिठा अगला किसने डिठा, जाओ कब्रिस्तानों में पूछो देखा है कि नहीं देखा है, कितने कितने हसीनों की मिट्टी ख़राब हो रही है। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी ना रहे, मुझे और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुजूर सुपुर्द करना है और मौत का जायका हर एक ने चखना है, कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और फिर पछतावा हो, आज मैं और आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करने से पहले अपने आप को तैयार करें। दो चीज़ें दिल का जंग उतारती हैं, कसरत के साथ मौत की याद और कुरान मजीद की तिलावत। इदारतुल मुस्तफ़ा की फ़िक्र,
लोगों को माद से जोड़ना और किताबुल्ला से उनको मरबूत करना है। और इसी फिक्र के ऊपर मुल्क के बल्कि दुनिया के एक एक गोशे पे इस पैगाम मोहब्बत को फैलाया जा रहा है, ताकि अगर हम अपने दिलों को मुसफ़ा करना चाहें, अपने बातन की पाकिजगी और तहारत का सामा करना चाहें, तो हमें ये करना होगा। और ये नुस्खा दिलों की पाकिजगी का, दिलों की सफाई और सुथराई का, ये हमारा कोई ईजाद करदा नुस्खा नहीं है या किसी सन्यासी बाबे का नुस्खा नहीं है। ये दिलो कल्ब व निगाह के मुर्शद अव्वलीन का बताया हुआ नुस्खा है, दिलों के तबीब का बताया हुआ नुस्खा है कि अगर आप अपने दिल मुसफ़ा करना चाहें, बातिन साफ करना चाहें, तो कुरान मजीद की तिलावत और कसरत के साथ मौत की याद, ये तुम्हारे दिलों को पाक कर देगी।